हेलो एवरीवन, माय नेम इज हारिस उस्मान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है डे टू और आप देखें क्या ज़बरदस्त नज़ारा है पीछे का, अगर आपको यहाँ नज़र आए। सो आज मरी से हम निकलेंगे। मरी हमने कल पूरा घूम लिया, आज जाएंगे हम नारान की साइड पे। तो स्टे विद अस फॉर अ बेस्ट सीनरीज इन पाकिस्तान। एंड दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वेन्यू एडवेंचर क्लब। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर है, नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वेबसाइट डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाए उनसे कांटेक्ट करें। क्या जबरदस्त अरेंजमेंट इन्होंने किया है। यहाँ देखें जबरदस्त नाश्ता आ चुका है, अंडा है, पराठा है और ये रही चाय। और अब एक जादू आपको दिखाएंगे, ऑलपर्स में से निकल रही है चाय। ये है मरी की खासियत। और ये देखें व्यू, आप चेक करें, अभी बाहर का कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ इस व्यू के साथ जब आप खाएंगे ना। ओए होए होए होए, क्या बात है भाई। सो अब जो है ना, अब हम नाश्ता करने जा रहे हैं ज़बरदस्त सा। तो थैंक यू वेन्यू एडवेंचर क्लब फॉर स्पॉन्सरिंग दिस टूर। और अब जो है ना नाश्ता होगा बेहतरीन, तो अब मैं चाय एंजॉय करूँगा। तो चाय हो जाए गर्मा गर्म सी वहाँ। ओह क्या बात है, यहाँ देखें पराठा गर्मा गर्म। और ये मुझे लग रहा है बिल्कुल वही पराठा है जो हम कराची में खाया करते थे। ये मरी में रहते हुए भी कराची की याद आ गई है, क्या बात है। टिपिकल कराची वाला स्टाइल, चाय में डुबोए पराठा। बहुत जबरदस्त। एक और अंडे आने वाला है, तो अब चलते हैं नारान की साइड पे। बहुत जबरदस्त। के में हम इंटर हो चुके हैं और आगे देखते हैं। अब हम पहले किस साइड जा रहे हैं? पहले एबटाबाद है, देन मानसेरा, देन बालाकोट, देन नारान, और फिर झील सैफल ब्लू वगैरह सारी वहाँ पे होंगे। सो केपीके में इंटर हो चुके हैं और अब केपीके की हसीन वादियाँ भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। तब से एक तो व्यू आप ये देख ही लें। माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त सीनरी स्टार्टिंग में ही है, आगे जाते हैं और एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह ताला। सो मैंने आपको कहा था ना कि जैसे ही हसीन वादियाँ आती जाएंगी मैं आपको दिखाता चला जाऊँगा। तो ये देखें नीचे गहराई आप चेक करें, और हम एक सेफ डिस्टेंस पे खड़े हैं, ये भी मैं आपको दिखाता चलूँ। और काफ़ी गहरा है और हम इसलिए ज़्यादा करीब भी नहीं जा रहे, ज़्यादा आगे नहीं जा रहे। और इस साइड भी पहाड़ियाँ हैं और ये देखें खूबसूरत, और ये देखें पहाड़ काट काट के रोड निकाले गए। सो आई मीन दिस इज़ अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त व्यू है, खूबसूरत तरीन व्यू है। और ये अगर आप पीछे देखें, क्या बात है यार, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत खूबसूरत बनाया, बहुत शानदार बनाया है। बात यह है कि इसको एक्सप्लोर नहीं किया गया अभी, तो हम इसी कोशिश में निकले हैं कि इसको एक्सप्लोर भी करते जाएंगे और आपको दिखाते भी चले जाएंगे। क्या बादल है यार, क्या बात है, लाजवाब। आगे चलते हैं और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो भाई बंदर किधर भाग रहे, तेरी वीडियो बन रही है, कैमरा मत लेके चले आना। केपी के अंदर बंदर पहाड़ियों के ऊपर नजर आना शुरू हो गए, और हमने सुना है कि सामान भी ले जाते हैं, तो हम जल्दी से अपना कैमरा अंदर रख लेते हैं। क्या हाल है, ये कैसे लाल हो रहा है। चलो तो इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं गलियात पे, और क्या खूबसूरत सीनरी है वो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। ये है गलियात, और बैक साइड में देखें ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, ये जो ट्रेल बना हुआ है इस ट्रेल के पीछे से ही हम ज़्यादा नीचे के नज़ारे करेंगे। और इस साइड पर ट्रेल नहीं है इसलिए हम नहीं जा रहे। क्या खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह से गलियात का, और क्या वादी है यार ये माशाल्लाह से। वो साइड पे आपको एक रोड ही नज़र आ रहा होगा, सिर्फ ये ही नहीं है, मेरे बैक साइड पे अगर आप देखोगे
तो यहाँ भी बहुत ही खूबसूरत से जो है ना पहाड़ नज़र आ रहे हैं। वाह, इसके लिए सिर्फ एक ही अल्फाज निकलता है मुँह से, वो है सुभान अल्लाह। और हमारे जो है ना कान बंद हो चुके हैं इस वक्त, क्योंकि चढ़ाई पे चढ़ते हुए अब हम जा रहे हैं ढलान की तरफ, और ढलान पे जो है ना कान बंद हो जाते हैं। सो बहुत ही खूबसूरत मंज़र है माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छा सनी डे हुआ हुआ है। और ये देखें गलियात पूरा लिखा हुआ भी है यहाँ पे, और ये रिफ्लेक्शन वाला है, एंड यू कैन ऑल्सो सी मी इन द रिफ्लेक्शन एंड माई कैमरा एज वेल। सो अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन की तरफ, और देखना ये होगा कि नेक्स्ट लोकेशन हमारी क्या आती है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही हरा भरा, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, आई जस्ट लव इट। ये दूसरी साइड है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें माशाल्लाह से बहुत प्यारा यार, खूबसूरत यार। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर नेमत से नवाजा है। सो इस वक्त एक और बहुत ही ज़बरदस्त और दिलफरेब मंज़र आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो कि है ये हरनोई के मकाम पे, ये नहर है और उसके साथ ये पहाड़ियाँ हैं, सरसब्ज और शादाब पहाड़ियाँ। ये है हरनोई अम्यूज़मेंट पार्क। सो ये करना ये होगा, यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी नीचे चारपाइयाँ लगी हुई हैं, नहर का पानी जा रहा है इधर भी, उस साइड भी, ये पूरा जो है ना ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं ज़बरदस्ती। तो अब जाते हैं नीचे, और ये है हरनोई का मकाम। और जैसे जैसे रास्ते में चीज़ें आती जा रही हैं, जगहें आती जा रही हैं, हम उसको एक्सप्लोर करते जा रहे हैं। अब हम नीचे उतरने जा रहे हैं और जूते उतारेंगे, इसके नहर को क्रॉस करेंगे, बस एहतियात ये करना है कि आप स्लिप ना हो। अब हम नीचे जा रहे हैं और एहतियात से उतरना है यहाँ पे, देखो स्लिप ना होना है आपने। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सर्विस जो है ना यहाँ पे हर जगह जहाँ भी आप जाएंगे सर्विस वगैरह मांग रहे हैं। तो ये सीधा चश्मे का पानी है, और देखना ये है ठंडा ठंडा होगा, होए 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 होए, ठंडा ठंडा पानी हो, कितना क्लियर है यार ये देखो, क्या बात है। तो ये थोड़ा सा पी के भी देखते हैं, ओहो फ्रेश यार, वाओ क्या पानी है यार, इतना फ्रेश और ठंडा पानी मैंने यहाँ खरीद के भी नहीं पिया होगा। तो हरनोई का मकाम है, और हरनोई अम्यूज़मेंट पार्क ये जगह है, तो आप भी आएँ एक्सप्लोर करें। इसके बाद एपटाबाद लग जाएगा, ये गलियात के फ़ौरन बाद आता है, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं चाय पियेंगे, 40 रुपये की चाय है भाई। सर्विस का बड़ा मसला है या खुशी भाई, खुशी से तो वैसे ही हम टिप देते ना। ओ, ओ, ओ मेरे जूते गए पानी के अंदर। तो अभी सीन ये है, मैं सबको हिदायतें कर रहा था और ख़ुद के पंप पानी के अंदर चले गए। चलो कोई नहीं, तो अब हम जा रहे हैं बैठने, और चाय मंगवाइए गर्मा गर्म सी। अगर आप चाहें तो हम आगे भी जा सकते हैं, वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और एक बार दफ़ा फिर मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ, क्या खूबसूरत और दिलकश मंज़र है ये। और ठंडा ठंडा पानी मैंने डायरेक्ट नहर में से भी पिया है, और ये देखें आप ये लगी हुई चारपाई। तो जूते उतार दिए, ये देखें आप, उसमें मज़ा ये है कि अब जो है ना ठंडे ठंडे पाँव जाएंगे नहर के अंदर। ओह ओ हो, ये हम गए नहर में। और एक चीज़ ये है कि यार लोग खा पी के जो है ना यहीं पे कचरा फेंक रहे हैं, तो इतनी खूबसूरत जगह को जो है ना हम लोगों ने ही गंदा किया हुआ। हम लोगों से मुराद ये है कि जैसे हम टूरिस्ट हैं तो और एक्सप्लोरर हैं, तो ये हम लोगों ने गंदा किया वाकई में, ये मानना पड़ेगा। और इस वक्त जो है ना बहुत संभल के चलना पड़ रहा है इसके अंदर। एंड ये अब मैं आपको दूसरी जगह पे भी जा कर दिखाता हूँ, और ये पूरा सूखा हुआ। तो जब तक मेरे जूते और मोज़े सूखते हैं, मेरी चाय आती है, हम थोड़ी सी ये जगह को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। ओहो, आई थिंक ये ग्रेनाइट और काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह की हैं। पत्थर मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ज़बरदस्त किस्म के पत्थर हैं ये देखें, ये पेबल्स हैं सारे, और मे बी ये शायद ग्रेनाइट टाइप के पत्थर हैं, नो आइडिया। सो आगे जाते हैं, मेरे चैनल ट्रैवल फूड पीके को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आज है आपको उसका नोटिफिकेशन। ऊपर की साइड पे आते हैं, थोड़ा सा चलते हैं, सांस फूल जाते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा है, मे बी ऑक्सीजन लेवल यहाँ पर काफ़ी कम है। और ये देखें, ये सेंटर से मैं इसलिए आया था कि आपको ये मैंने व्यू दिखाना था, खूबसूरत व्यू है यार। सो आई थिंक आई एम इन लव विद दिस। अभी तो मैंने शॉर्ट टूर अपना प्लान किया हुआ है, बट इंशाल्लाह जो मेरा लॉन्ग टूर होगा वो जो है ना बहुत मज़े का होने वाला है। वाइड एंगल के ऊपर जो है ना यहाँ मोबाइल से एक तस्वीर भी बनाऊँगा मैं, और वेरी नाइस। थोड़ा सा आगे जाता हूँ और विद द नहर बनाऊँगा।
यहाँ पे थोड़ा स्लो भी तेज है, तो एहतियात करनी है आपने, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लो में नहीं जाना, क्योंकि ये जो फ्लो है ना ये आपको ले कर चला जाएगा। तो ये विद द नहर, एक तस्वीर खींचते हैं। वाओ, लुक एट द क्लाउड, दे आर अमेजिंग, एक्सीलेंट, आई एम इन लव विद दिस। तो चाय इंजॉय करेंगे अब थोड़ी देर में जाके। तो भाई चाय मंगवाई है, गर्मा गर्म चाय ले आए हैं, चाय रखिए इधर पे, इस नहर के ऊपर जो बैठेंगे और चाय देखें। वाह वाह वाह। भाई आपका नाम क्या है? सलमान। यार इस जगह का नाम मैं भूल जाता हूँ, नाम क्या है इस जगह का? हरनोई। हरनोई, हरनोई पे आना है, भाई के पास आना है और चाय पीनी है, ठीक है ना? ठीक है। ओके जी, ये चाय आ गई है, हमने चीनी अलग से मंगवाई थी। तो देखें चीनी अलग से मंगवाई है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना लोग थोड़े मीठे के ज़्यादा शौकीन हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि चीनी अलग से मंगवा लेते हैं और जो है ना चाय में मिक्स करके अपने हिसाब से पी लेंगे। भाई चाय के दरमियान में जो है ना ऊँट गाड़ी भी उधर आई है भाई, ज़बरदस्ती ऊँट गाड़ी देखे माशाल्लाह। अब जो है ना ऊँट जब तक जा रहा है दूसरों को सैर कराने, हम पीने जा रहे हैं अपनी चाय यहाँ पे। तो अब हम पियेंगे अपनी चाय। तो ये देखें भैया चाय आ चुकी है गर्मा गर्म, उसके साथ चीनी भी आ चुकी है, ये रही चीनी। तो चीनी इसके अंदर डालेंगे, चीनी मिलाने का सामान किधर है? तकरीबन जो है ना एक से डेढ़ चम्मच चीनी पिया। और ये रहे, ओ माई गॉड, वेरी नाइस है, वेरी नाइस। और जो चीनी है ना उसके साथ यहाँ पे है बेकरी के बिस्किट। तो लू का जो बेकरी है ना वो तो वैसे ही बहुत पसंद है, और टिपिकल पाकिस्तानी, ये गया बिस्किट चाय के अंदर। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जगह जो है ना ये बहुत मज़ेदार है यार। तो चाय जल्दी से ख़त्म करते हैं और निकलते हैं आगे एबटाबाद के लिए। वाह, लू के बेकरी बिस्किट का तो वैसे ही मैं फ़ैन हूँ, और जो चाय है ना, अच्छा एक बात बहुत अच्छी है कि यहाँ पे चाय जो है ना काफ़ी बेहतर मिल रही है, वरना दूसरी जगहों पे लाहौर इधर उधर चाय पीते ना तो टी बैग वाली चाय, यहाँ पे चूल्हे पे पकी हुई चाय, तो विच इज़ वेरी गुड। तो चाय मैं फिनिश करता हूँ, आगे चलते हैं एबटाबाद पे और एक्सप्लोर करते हैं एबटाबाद में आप लोगों के लिए क्या क्या चीज़ है। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं एबटाबाद, और ये हैं एबटाबाद के शहर, हमने आपको नहीं दिखाना था इसलिए शहर हमने क्रॉस कर दिया है। और ये देखें अब जब पहाड़ और ऊपर अब बादल देखें, कितने घने बादल हैं। सो इस वक्त जो है ना एबटाबाद से आगे जा रहे हैं, और एबटाबाद के जो साइट्स होंगी वो आपको दिखाते चलेंगे, उसके बाद है मानसेरा, मानसेरा के बाद जाएंगे नारान, तो वन बाय वन जो जो स्पॉट्स आते जाएंगे वो आपको दिखाता चलूँगा। इस वक्त देखिए आप मानसेरा टॉप से व्यू है पूरा, और अब हम जाएंगे नारान की साइड पे, और ये बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत लेकिन रूखा रूखा सा सिटी है ये ना, तो इतना बड़ा कोई इस पर देखने जैसी चीज़ है, लेकिन ये एक व्यू बहुत अच्छा था तो हमने सोचा आपको भी दिखा देते हैं। ये कितने किलो का? ये कितने किलो बनेंगे? हाँ वजन नहीं करते, वजन दादन कितना होगा? डेढ़ से पौने दो किलो। और इसको कहते क्या? चूचे की कढ़ाई, देसी मुर्गी कढ़ाई। देसी मुर्गी कढ़ाई। अच्छा तो ये कितनी देर में पक जाएगा? आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा लगेगा। और ये देखें ये है रेस्टोरेंट, और इनका नंबर वगैरह भी यहाँ पे लिखा हुआ है, सारी चीज़ें। बालाकोट जब आप एंटर करेंगे तो थोड़ी देर के बाद ही ये नीचे की तरफ आएगा, एंड देन अब जब इसके अंदर इंशाल्लाह मसाले वगैरह डले होंगे तो वो भी हम दिखाएंगे, और जब ये बन जाएगा 30 से 35 मिनट इन्होंने हमें कहा है कि ये बन जाएगा, और जब तक ये बनता है मैं जाके आपको आगे के नज़ारे दिखाता हूँ, आगे की जो पहाड़ की खूबसूरती है वो भी दिखाता हूँ, बहुत खूबसूरत है बालाकोट के ये पहाड़। सो चलते हैं वहाँ पे, एंड देन विल गो टू द कढ़ाई, एंड उसके खाना खाते हुए भी बनाएंगे यार। तो थैंक यू सो मच वेन्यू एडवेंचर क्लब फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो ऑन होल ट्रिप, एंड जाते हैं देखते हैं आगे क्या नज़ारा है। सो बालाकोट की जिस खूबसूरती की बात कर रहा था वो देखें आपको मैं दिखा देता हूँ, और यहाँ पे कुछ पानी है जो ठहरा हुआ तो इस सेंस में है कि यहाँ पे भी पहाड़ है, इन पहाड़ों पे जो बारिश होती है उसका जो पानी उतरता है वो यहाँ पे आ जाता है, और ये बतख उसके अंदर कर रही है इंजॉय। लेकिन जो मेन खूबसूरती है वो है वहाँ के पहाड़, उन पहाड़ों के ऊपर हैं बादल, और वो जो बादल है ना उन्होंने पहाड़ को ढक लिया है भरपूर तरीके से, और इस साइड पे भी कुछ पहाड़ के ऊपर जो है ना पौधे लगे हैं, वहाँ पे एक दरगाह भी मुझे नज़र आ रही है, एंड देन यहाँ पे इंटरनेट का सिग्नल इसीलिए अच्छे आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ना
टावर लगे हुए और ना पूरे रास्ते में इतना अप डाउन हो रहा है, इतना अप डाउन हो रहा है सिग्नल का कि वो जो वीडियो बना के अपलोड करनी होती है ना कि यार एक होता है अंदर के दिखाना है घर वालों को फटाफट के हम यहाँ यहाँ पहुँच चुके हैं, उस पर बड़ी मुश्किल हो रही थी। लेकिन ये वो जगह है जहाँ पे सिग्नल अच्छे आ रहे हैं। आई डोंट नो कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट स्टिल 4G प्लस चल रहा है इस बालाकोट के एरिया में। बट देखना ये है आपने कि बहुत ही खूबसूरत लाजवाब, एक दफ़ा मैं इसका 360 भी दे दूंगा। हमने यहाँ पे जो कढ़ाई दी है यहाँ पे बैठ के खाएंगे, वो टेबल लगा हुआ है एंड देन दिस इज़ द होल 360 व्यू ऑफ दिस एरिया। माशाल्लाह से सन भी आ रहा है खूबसूरत और मौसम बहुत अच्छा हुआ है। ये देखें कुकर में से निकाल दिया इन्होंने, क्या बात है क्या बात है, गर्मा गर्म तेल के अंदर तैयार हो रहा है लाजवाब। तो देखिए इसके अंदर मसाले डालना शुरू कर दिए हैं, नमक चला गया है, लहसुन अदरक जा चुका है और अभी जो बाकी मसाले हैं वो जाएंगे। आपका नाम क्या भाई? हाँ आमिर भाई। ये देखिए जबरदस्त क्या बात है, अरे भाई हमारे इधर ये भी खड़े हुए। तो भाई ये जो है ना तैयार होने लगी है और अब इसके अंदर टमाटर वगैरह डालेंगे। देखें टमाटर डालने की बारी आ गई, ये देखें टमाटर डाल दिए, क्या बात है क्या बात है, करीब से भी देखें टमाटर। अब इसका ये बताओ कुकिंग टाइम कितनी कितनी देर में तैयार हो जाएगी? अभी से 10 मिनट तक, 10 मिनट में तैयार हो जाएगी और इसके साथ जो है ना नान होंगी गर्मा गर्म सी और बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और इसको ट्राई करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि वो पूरा रास्ता पार करता हुआ आपको वाली नहर दिखाऊं। नहर तो नहीं है, बेसिकली पहाड़ों से जो पानी आ रहा है बहुत तेज़ है और आगे का रास्ता भी कुछ पथरीला सा है। थैंकफुली मैंने जूते अच्छे वाले पहने हुए, सो वो अल्लाह का शुक्र है कि इतना बड़ा मसला हो नहीं रहा एंड इजीली आई एम गोइंग फॉरवर्ड। हाय हाइकिंग वगैरह नहीं की ना आज तक, अगर हाइकिंग वगैरह की होती ना तो ये और आसान होता एंड देट इज़ गोइंग टू बी अ गुड व्यू। ये देखें वाह। तो मैं जल्दी से पहुंच जाता हूँ, क्या बात है क्या बात है लाजवाब। हाँ पीछे और कोई आया नहीं है और यहाँ पे जो मिट्टी है वो भी कोई लाल लाल सी है और लेट मी जस्ट शो यू, गंदला सा पानी है और लोग भी आए हैं और ये आ रही है पूरी की पूरी एक दरिया कहें क्या कहें, बट वी फाइनली रीच टू शो यू गाइस दिस इज़ अ गुड फ्लो माशाल्लाह से वाओ। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, पहली बार आया हूँ मैं पाकिस्तान में, नहीं देखा वैसे मैंने देखा था। लेट मी जस्ट ओके दैट इज़ वेरी क्लीन इन द हैंड एंड वेरी कोल्ड वाओ। सो यू कैन सी दैट एट माई बैक उन पहाड़ों से आ रहा है पानी एंड सीधा जा रहा है आगे की तरफ और 10 मिनट बोले थे आई थिंक पहाड़ी मुर्गे जो है ना वो तैयार हो चुके होंगे। तो आई एम गोइंग देयर अगेन, यहाँ से वैसे ज़्यादा कि आप लोगों को दिखा सकूँ, शोर भी बहुत है एंड यू कैन सी द प्रेशर ऑफ वाटर। तो फाइनली यहाँ देखें चूचा कढ़ाई या देसी मुर्गा कढ़ाई आ चुकी है और अब सिद्धरा आप निकालें इसमें प्लेट के ऊपर। हाँ ये मिर्चें तो हमने इसलिए मंगवाई हैं कि मिर्चें ज़रा अलग से भी चलेंगी ना, दो दिन डाल दो मिर्चें साली के कहने में डाल दी दो। ओ होए 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 खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त सी हो रही है इसकी, हो रही नहीं मतलब आ रही है खुशबू बहुत अच्छी सी माशाल्लाह से। तो ये निकलना शुरू हो गया और देखें रोटी भी रखते हैं यहाँ पे। ओ क्या बात है ये नान वाह। तो यहाँ पे देखें पूरी सेटिंग हो चुकी है और पहला ही निवाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहाड़ी मुर्गे का क्या मजा है यार आज पता चला। नमक परफेक्ट, मसाला परफेक्ट और ये देख चिकन के साथ भी हो जाए, चिकन तो पता चला कैसी है। ये भी एक फन है देसी मुर्गा पकाना, हर कोई पका नहीं पाता देसी मुर्गा वैसे। और आपको थोड़ा व्यू भी दिखाते हैं खाते खाते, वाह बहुत ही ज़बरदस्त बना है भाई हरी मिर्च के साथ।
ओए होए 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 क्या बात है, थोड़ा सा मेरे को सलाद दीजिए, प्याज के साथ भी खाएंगे। वाह वाह, थोड़ा सा देखें आया प्याज यहाँ पे। टमाटर तो आपको मालूम है भाई का फेवरेट है, टमाटर आ गया। ये प्याज थोड़ा सा मटा देते हैं, ये सही नहीं लग रहा। लेमन क्या बात है, यहाँ पे देखें ओफ ओ चिकन तो चेक करें कैसी टेंडर हुई है। चिकन, टमाटर, खीरा एंड थोड़ा सा प्याज डाला इसके अंदर। वाह वाह क्या बात है, क्या निवाला होने वाला है। हरी मिर्च आपकी भूख खोल लेती है। पूरे टूर में लास्ट नाइट की जो हांडी थी और आज की जो कढ़ाई है, वाह भूख नहीं है, वेरी नाइस। तो अब हम जाएंगे नारायण की तरफ, अपना खाना एंड करेंगे तकरीबन 4:30 बजे, दो घंटे बाद इंशाल्लाह नारायण पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे अचानक से हब्ज हो गया, बहुत अच्छा मौसम था बट आई डोंट नो अचानक से ना हब्ज हो गया और पसीने आना शुरू हो गए। जा रहे हैं हम आगे नारायण की साइड पे एंड सैफुल मुल्क और जगह पे भी जाएंगे, और फिर वहाँ की भी जो वीडियोज़ है ना खाने की और अट्रैक्शन, टूरिस्ट अट्रैक्शन बेसिकली, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सो फाइनली कागान जाने से पहले कोहाई हमने क्रॉस किया, वाटरफॉल देखा और फिर हम आ गए मलकंडी ब्रिज के ऊपर, जो कि यहाँ देखें आप खतरनाक सा ब्रिज है और ये हिलना नहीं रहा, ये ऐसे हिलता है। तो ये आप देखो क्या स्पीड में यहाँ से फुल फ्लो में जा रहा है ये, और ये देखें इस साइड पे भी, और ऊपर देखें ज़बरदस्त यहाँ पे अगेन पेड़ हैं और नीचे जो है ना ज़बरदस्त सा जो आबशार है वो निकल रहा है। सो थोड़ा सा आगे चलते हैं, सेंटर में जाके देखते हैं कि इसका क्या फील है, और ये थोड़ा सा हिल भी रहा है तो आगे जाके देखते हैं, थोड़ा सा सेंटर में से इसका व्यू बनाते हैं प्रॉपर। ये देखें ये है मलकंडी ब्रिज, और इस जगह का नाम भी मलकंडी है। वहाँ पर जो है ना ये स्टील ब्रिज है पूरा, जिसमें से गाड़ियाँ निकल रही हैं, मेरे बैक साइड पर जो आप देख रहे हो पूरा स्टील का ब्रिज है, और ये वाला भी जो है ना ये वायर से बना हुआ है। तो भाई जान आपका नाम? मेरा नाम है जी अदील शाह। अदील शाह भाई, तो ये जगह पे देखिए ट्राउट फिश हमें मिल गई है, क्या हिसाब है? ये 2,000 रुपए किलो है। अच्छा, और किस तरीके से पकाया जाता है इसको? इसको पकाया जाता है, एक तो ग्रिल करते हैं। ओके ओके। दूसरा इसको छोड़ दे ऐसा ना पानी में बेचारी मर ना जाए, वैसे तो अब किसी ने खाने ही है इसको आगे। नहीं, मरती तो नहीं। और क्या हिसाब है? और इसका कढ़ाई भी बनती है। कढ़ाई भी बनती है, बहुत जबरदस्त बनती है। पकने का टाइमिंग क्या है इसका? पकने के ग्रिल का टाइमिंग है 30 मिनट। 30 मिनट और 2,000 रुपए किलो है। आप उसको ग्रिल करवा लो, फ्राई करा लो। मेन्यू रेट जो है वो ग्रिल का 2,800 रुपए। ओके। आजकल जो ऑफ सीजन की 2,000 रुपए। अच्छा, और ये इसमें कांटे ज्यादा होते हैं? कांटे इसमें एक रीढ़ की हड्डी होती है ये, बस सिंगल टोन पे सिंगल। ये अगर कोई कहे तो उसको हम इसको बोनलेस करके देते हैं। अच्छा, तो फिर उसके रेट डिफरेंट हो जाते हैं? उसके रेट डिफरेंट होते हैं। तो भाई जो भी आए यहाँ पे आए, क्या जगह का नाम है? इस जगह का नाम है मलकंडी। मलकंडी, और ये ब्रिज को भी मलकंडी कहते हैं? मलकंडी ब्रिज ही कहते हैं सर। ये एक इस तरह का ब्रिज गिर भी चुका है ना, वो कहाँ पे था? वो इस तरह का ब्रिज गिरा इधर नहीं है, बालाकोट में। अच्छा अच्छा, चले आप फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे, और जितने भी खाने हैं ना इनके पास ज़रूर हैं मलकंडी में, और ट्राउट खाएं मज़ेदार होती है। ये हमारा मेनू। अच्छा, ये देखें लिखा हुआ, ये देखें सारा एड्रेस वगैरह जो भी है इसके ऊपर लिखा हुआ है। सो दिस इज़ द रूम इन नारायण, और देखें माशाल्लाह से अच्छा रूम है, स्पेशियस है। डबल बेड चाहिए तो डबल बेड तो है, बट एक एक्स्ट्रा बेड भी है, एंड आयरन, हेयर स्ट्रेटनर, हेयर ड्रायर, गैस सिलेंडर, ओके कुछ लिखा हुआ है बाद में पढ़ेंगे। एंड देन यहाँ पे देखते हैं क्या है, दिस इज़ द वॉशरूम, ठीक है नॉट बैड। नारायण के जो रोड है ना वो बहुत बुरे हुए हैं क्योंकि डैम बन रहा है, तो जो भी आए वो ये देख के आए कि रोड्स बहुत बुरे हैं। तो इस वक्त हम लोग आ चुके हैं नारायण बाज़ार के अंदर,
और नारायण बाज़ार वैसे देखा जाए तो वैसे नॉर्मल बाज़ारों की तो नहीं है, कोई इतना इम्प्रेसिव आइटम यहाँ पे नज़र आ नहीं रहा है। यहाँ पे नॉर्मल आइटम जो नॉर्मल मार्केट से मिल रहा होता है बिल्कुल वैसे ही बाज़ार है। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे और कुछ चीज़ें हैं अवेलेबल जो कि लेके जाई जा सके यहाँ से, तो आगे जाके देखते हैं और आपके साथ शेयर भी करते हैं। तो वही है जैसे स्वेटर्स वगैरह हैं, शॉल्स हैं और गर्म कपड़े, ज़ाहिर है गर्म कपड़े तो मिलेंगे, कुछ ज्वेलरीज वगैरह यहाँ पर मिल रही हैं। तो ओवरऑल नारायण आने का जो फैसला था वो मैं रिग्रेट करता हूँ, क्योंकि एक तो कश्मीर वाली साइड मरी वाली साइड थी लेकिन ये बिल्कुल अपोजिट साइड थी। तो कभी भी ऐसा ना करें, या तो अपना टूर मुकम्मल करें उसके बाद नारायण वगैरह का अगान की साइड पे आएँ, वरना आप बहुत थक जाएंगे और आपकी बैंड बच जाएगी। तो यहाँ देखें लकड़ी का भी काफ़ी अच्छा सामान मिल रहा है और ये देखें हैंडीक्राफ्ट हुआ हुआ है या फिर मशीन से भी होगा लेकिन काफ़ी अच्छी फिनिशिंग में, रोटी किचन के आइटम रखने के लिए। और ये तकरीबन किचन के ही आइटम है यहाँ पे, ये देखें आप, ये देखें। तो दूसरी साइड पे कुछ ज्वेलरी शॉप है और ये वाली साइड पे कुछ जूते वगैरह मिल रहे हैं। तो और आगे देखते हैं क्या सीन है, देखें लकड़ियों की कुर्सियाँ, तो ये बच्चों के टॉयज भी मिल रहे हैं यहाँ पर, क्ले क्लेप्स और टॉयज के बाद यहाँ पे लेडीज़ आइटम भी है, दहन अरतुल की तलवारें भी मिल रही हैं, काई कपड़े मिल रहे हैं और यहाँ पे भी गर्म कपड़े। अच्छा नारायण की जो बाज़ार है वो तो कोई इतनी इम्प्रेसिव नहीं है लेकिन फूड स्ट्रीट मुझे लग रहा है काफ़ी बेहतर है और होटल वगैरह काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो मून रेस्टोरेंट है इसकी पूरी रूट के ऊपर जो है ना मून रेस्टोरेंट की एडवर्टाइजमेंट हुई थी, तो होपफुली हम इधर ही खाना खाएँगे एंड आगे जाके देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह भी है लेकिन मार्केट कोई इतनी इम्प्रेसिव नहीं है नारायण की। सो आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस मार्केट में और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या हम कुछ नया एक्सप्लोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मुझे नहीं लगता क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट तो बताहिर नज़र नहीं आ रही। सो आगे चल के देखते हैं कि क्या सीन है। तो हम लोग आ चुके हैं नारायण बाज़ार में और बहुत भूख लग रही थी, पंजाब टिक्का हाउस में हम लोग आ गए और यहाँ पे आप देखें ज़बरदस्त खाना तैयार हो रहा है। ये देखें यहाँ पे जो है मलाई चिकन तैयार हो रहा है, सच्ची तैयार हो रही है और देखें टिक्का भी तैयार हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है, ये मुझे लग रहा है पट्टी कढ़ाई की तरह कुछ है और ये भी तैयार हो रहा है और ये क्या है चिकन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई तैयार हो रही है। ये देखें ज़बरदस्त आइटम तैयार है, सारी चीज़ें। तो हमने जो ऑर्डर किया है यहाँ पे काबली पुलाव ऑर्डर किया हुआ है, हॉट एंड सॉस सूप ऑर्डर किया हुआ है, उसके साथ हमने ऑर्डर किया हुआ है तवा फिश 1200 रुपए की है। अब इसका टेस्ट टेस्ट करेंगे और आपके साथ भी शेयर करते हैं। लोकेशन है नारायण बाज़ार, वहाँ पे है पंजाब टिक्का हाउस। तो अब जैसे ही खाना आ जाता है उसको टेस्ट करेंगे एंड देन विल गिव यू द रिव्यू। तो जी हमारा चिकन टिक्का सूप यहाँ पर आ चुका है गर्मा गर्म सा और सर्व हो रहा है, इसके साथ देखें लाल चटनी है, सिरका है, ये काला सिरका है, गर्मा गर्म सूप, ओ हो हो, इसके साथ तो मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ ओए होए 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 होए, हाँ 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 मुँह में पानी आ गया, आई होप इसका टेस्ट अच्छा होगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे देखें सूप जो है ना गर्मा गर्म सा आ गया, इसमें हम पहले डालेंगे सिरका थोड़ा सा, वैसे मुझे लग रहा है ये काफ़ी स्पाइसी होगा, और ये आ गया थोड़ा सा वाइट पेटिंग है एंड देन इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये रेड वाली जो चिली सॉस है, चिली सॉस कम लग रही है, केचप ज़्यादा लग रही है। और अब जो है ना इसका करेंगे कैसा है भाई, जब पीछे से तो हमें गो हेड आ गया कि भाई अच्छा है, अच्छा तो अब हम ट्राई करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जो हमने वो लास्ट वो पिया था ना हॉट एंड सॉर वो सर नस्ली था, वो ज़्यादा नॉट बैड, अरे चिकन टिक्का का प्रॉपर फ्लेवर आ रहा है तो दिस इज़ गुड। हाँ बट यार एक चीज़ है यार, एज अ टूरिस्ट एज अ पाकिस्तानी मैं जा रहा हूँ घूमने यार, रेट्स बहुत हाई हैं हर चीज़ के, मतलब आप एक चाय ख़रीदते हैं जो कि नॉर्मली आपको मिलती है 30-35 रुपए की, यहाँ पे वो चाय 150-200 रुपए की, 60 रुपए की, 80 रुपए की, और अगर बैठ के पियोगे तो 120 रुपए की, लेके जाओगे तो 150 रुपए की, यार ये तो। और एक और चीज़ सर्विस चार्जेस यार, वो तो उसने तो अंधी मचा दिया यार, मतलब आप अगर आप चार लोग फैमिली के साथ आ रहे हो ना
तो आपको कम से कम जो है ना एक वक्त के खाने के 3000 रुपये रख के लाने, तो ये सीन है। तो ये देखें भाई हमारी जो है तवा फिश आ चुकी है, काबली पुलाव भी हमारा आ चुका है, उसके साथ है ये चटनी, ये चटनी फिश के साथ है, एंड देन यहाँ पे है रोटी ज़बरदस्त जी। अब निकलने जा रही है फिश ज़बरदस्त, गर्मा गर्म खुशबू आ रही है, ओए होए 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 होए, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, सही है, वाह 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 वाह, सही है सही है। निकालें और निकालिए, इसमें देखें कांटे भी मुझे नज़र आ रहे, लेकिन सिंगल पीस कांटा है तो फिर से इतना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से, है ना। तो भाई फिश आ चुकी है ज़बरदस्त सी, और ये है चटनी, तो ये हमने डाली फिश के ऊपर चटनी, और आई थिंक सॉस को मैं हल्का सा टेस्ट करता हूँ भाई, तो वाह 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 वाह। और ये देखें स्किन भी लगी हुई है, अच्छा कांटे वगैरह आप बचा लीजिएगा, कांटे इसमें सिंगल पीस कांटा है, तो ये देखें चटनी लगाई, तो दिस इज़ अ फिश। नॉट बैड, फिश इज़ गुड। तो इसकी स्किन भी ट्राई करते हैं, इसकी स्किन बहुत मज़े की होती है, तो दिस इज़ द होल स्किन, फिश तो अजीब ही रहेगी ये, दिस इज़ द होल स्किन। वाह, अच्छी बात ये है कि फिश जो है ना प्रॉपर पकी हुई है, और जो फिश के जूसेस है ना वो ख़राब नहीं हुए, मतलब फिश में जूसेस प्रॉपर है। एक होता है ना फिश पकने के बाद जो है ना ड्राई हो गई, नॉट बैड, फिश आप जब भी खाएं ना तो ज़रा सा कांटों का ख्याल रखें, तो कांटे अगर बारीक हैं तो आप चबा जाएं, अगर मोटे कांटे हैं तो आप हटा जाए। ट्राउट 4000 के भी रेट हमने देखे यहाँ, थोड़ा लेमन डाल दें, एंड देन ट्राई इट विद द लेमन, देखिए जी खाना तो आपको पता है आपका भाई बिल्कुल रच के खाता है, आसरा नहीं करता भाई के भाई आराम से रहो पब्लिक एरिया, खाना आप खाएँ अच्छे से खाएँ, पेट भरे रहें, इसलिए तो आप पैसे कमाते हैं। नॉट बैड, काबली पुलाव, तो ये आ गया काबली पुलाव इसके अंदर, एंड देन अच्छा मुझे आज तक समझ में नहीं आया काबली पुलाव लोग खाते क्यों हैं। काबली पुलाव से अच्छा है बिरयानी और ज़्यादा मिला के खा लो, बट चलो इतनी दूर आए तो आप काबली पुलाव खा लें यार, फिर अच्छी है, नॉट बैड। इस वीडियो को करने लगा हूँ यहाँ पे एंड, और मेरे चैनल हाजी उस्मानी ब्लॉग फूडी ट्रैवल फूड पीके दोनों को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन में ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ और आ जाए आपको उसका नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच वेन्यू एडवेंचर क्लब फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर।